हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज मैंने आपको दो तरह से हाई बन बनाना बताया है, जो कि मैसी है और गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा बन है कि आप उसको बना के कहीं पे भी जा सकते हो और घर में भी बना सकते हो, एवरीडे में यूज़ कर सकते हो, कहीं आने जाने में भी इसको हेयर स्टाइल को आप बना सकते हो। तो फर्स्ट हेयर स्टाइल बनाने देखिए, मैंने सबसे पहले एक ऊँची पोनी बना दी है। पोनी बनाने के बाद बालों को थ्री पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे मैंने नीचे की साइड चोटी को गूथा है, ना कि ऊपर जैसे सिंपली गूथते हैं ना ऊपर साइड, तो वैसा ना गूथ के यहाँ पे मैंने नीचे की साइड चोटी को गूथ लिया है। तो बस इसी तरह से करके हमको पूरा एंड तक अपनी चोटी को बना लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने बना दिया है। बनाने के बाद चोटी को इस तरह से मैंने ऊपर की साइड को थोड़ा सा फोल्ड किया है और थोड़ा सा गैप देके मैंने हाथों से बालों को पकड़ लिया है अपनी चोटी को, और फिर यहाँ पे मैंने एक रबर बैंड लगा दिया है एकदम पतला वाला। तो इस तरह से रबर बैंड लगाने के बाद देखिए, थोड़ा सा बालों को, जो चोटी को मैंने फोल्ड करके बालों का गैप रखा था उसको मैंने नीचे साइड थोड़ा सा खींचा है और दोनों साइड से यहाँ पर मैंने एक एक यू पिन लगा दी है, जिससे कि ये अच्छी तरह से टाइट हो जाए। तो आप देख सकती हो कि ये कितनी अच्छी तरह से टाइट हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा चोटी बनी हुई थी तो उसको हम इसी के अराउंड इस तरह से सिंपली घुमाएंगे और साइड्स में हम यहाँ पे यू पिन लगाते जाएंगे और जो हेयर का एंड वाला पार्ट है उसको अंदर के साइड इंसर्ट कर देंगे और फिर वहाँ पे यू पिन लगा देंगे। तो जो साइड से जब चोटी राउंड हमने की है उसके ऊपर आप अपने अकॉर्डिंग यू पिन लगाएँ, इतने अच्छे से लगाएँ कि चोटी एकदम अच्छी तरह से फिक्स हो जाए बिल्कुल। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि हमने यहाँ पे यू पिंस लगा दी हैं और एक यू पिन मैंने ऊपर की साइड भी लगाई है, जिससे कि जो हल्का सा लूज करना था वो एकदम परफेक्टली टाइट हो गया है। तो और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा रबर बैंड दिखाई दे रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी एक यू पिन लगा दी है, बट अगर आप यहाँ पर ब्लैक रबर बैंड का यूज़ करोगे तो आपको इस तरह की कोई पिंस लगानी नहीं होगी। तो आप देख सकते हो इस बन का लुक कितना ब्यूटीफुल सा निकल के आ रहा है और सिर्फ एक चोटी से बन के रेडी हुआ है और कितना ब्यूटीफुल सा इसका लुक आ रहा है। तो और यहाँ पे अगर आप चाहो तो इस तरह से गजरा भी लगा सकते हो, जिस तरह से मैंने आपको लगा के दिखाया है, किसी भी शादी पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट है। सेकंड हेयर स्टाइल बनाने के लिए मैंने अगेन एक पोनी बनाई है ऊपर की साइड और फिर मैंने पोनी के बालों को यहाँ पर थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर हमको इसकी चोटी नहीं बनानी है, सिर्फ मैंने बालों को थ्री पार्ट में डिवाइड करा है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो। तो इस तरह से डिवाइड करने के बाद अब मैंने जो पहला वाला हेयर का सेशन था उसको लिया है और अब हम इसको थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद सिंपली इसकी हम यहाँ पे चोटी डालेंगे और यहाँ पे हम सिंपली सीधी चोटी ही डाल देंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैं यहाँ पे चोटी डाल रही हूँ और चोटी डालने के बाद एकदम एंड तक डालने के बाद यहाँ पर मैंने एक रबर बैंड लगा दिया है, जिससे कि ये बाल अपनी जगह पर टाइट हो जाए। तो इसी तरह से हम ये जो दो हेयर का सेशन था इनकी भी चोटी बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने चोटी बना ली है और बनाने के बाद अब इसको हम थोड़ा सा खींच के हाथों से अपनी चोटी को यहाँ पे लूज कर देंगे, जिससे कि इसका लुक बहुत ही अच्छा सा निकल के आएगा, इसका परफेक्टली मैसी लुक बन जाएगा। तो इस तरह से करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे किसी भी डोनट का यूज़ नहीं किया है और ये देखिए इस तरह से मैंने चोटी को थोड़ा थोड़ा सा लूज छोड़ के ऊपर की साइड को पकड़ लिया है अपने जो मैंने पतला रबर बैंड लगाया था और इस तरह से मैंने तीनों चोटी को एडजस्ट करके ऊपर से मैंने एक रबर बैंड लगा दिया है, टाइटली रबर बैंड लगाया है। और उसके बाद देखिए इस तरह से मैंने तीनों सेशन को जो चोटी का है उसको मैंने इस तरह से फैला दिया है। तो यहाँ पे इसका जो लुक है तो एक फ्लावर जैसा बन के निकल आया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से आप देख सकते हो। तो इसके बाद जो मैंने ये नीचे एक्स्ट्रा चोटी मेरी गुथी हुई है तो इसको मैंने यहाँ पर खोल दिया है। खोलने के बाद सिंपली मैंने बालों को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है और डिवाइड करने के बाद एक साइड के हेयर को मैंने अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया है और डिवाइड करने के बाद मैंने एक हेयर के सेशन को ट्विस्ट किया है और ट्विस्ट करने के बाद दोनों जो हेयर का पार्ट है, सेशन है, दोनों को आपस में अगेन ट्विस्ट कर दिया है। तो सिंपली इसी तरह से हम एकदम एंड तक कर लेंगे, अपने बालों को ट्विस्ट करके ही आपस में ट्विस्ट करेंगे। तो इस तरह से ट्विस्ट करने के बाद मैंने अपने इस हेयर के सेशन को जो ऊपर मैंने फ्लावर बनाया था उसके अराउंड इस तरह से लपेटा है। इसको बहुत टाइट नहीं लपेटना है, इसको लूज ही लपेटना है और यू पिन से इसको अच्छी तरह से यहाँ पे सिक्योर कर देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे यू पिन लगा करके अपने बालों को सिक्योर कर दिया है। उसके बाद मैंने सेकंड सेशन को फिट लिया है और उसको भी मैंने सिंपली टू पार्ट में डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद एक बालों के एक सेशन को मैं ट्विस्ट कर लूँगी और ट्विस्ट करने के बाद दोनों सेशन को आपस में अगेन ट्विस्ट कर दूँगी, जिस तरह से कि आप वीडियो में देख रहे हो।
तो इसको भी हम एकदम इंच तक कर लेंगे। तो करने के बाद देखिए इस तरह से मैंने इसको ऊपर की साइड से लपेटा है और नीचे की साइड से अगेन ऊपर की साइड को मैं लेके गई हूँ। एंड वाले सेशन को अंदर की साइड इंसर्ट करके मैंने यहाँ पे इसमें यू पिन लगा दी है। तो क्या है कि इसका लास्ट वाला सेशन एकदम अच्छी तरह से यहाँ पे फिक्स हो गया है। और थोड़ा सा बाल जो अनमैनेज है तो उसको मैंने थोड़ा सा हाथ से फैलाया है। फैलाने के बाद नीचे के साइड मैंने इसमें अगेन एक यू पिन लगा दी है। बट उससे पहले जो बीच का हमारा फ्लावर का लुक है उसको हमें बहुत अच्छे से मैनेज यहाँ पर कर देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने हल्का सा इसको फैलाया है। फैलाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको मैनेज कर दिया है और मैनेज करने के बाद यू पिंस लगा दी हैं जिससे कि बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे टाइट हो गया है। तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है और कितना न्यू बन है और कितनी ईजी तरीके से बन के रेडी हुआ है। फ्लावर मैसी बन है और उसके मिडल में मैंने थोड़ा सा उसको डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने बीट्स वाले कांटे लगा दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 कांटे लगाए हैं बट आप अपने अकॉर्डिंग उसको डेकोरेट कर सकते हो। तो मुझे यह रेसिपी बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।